व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन रैंकिंग्स की एक्सरसाइज कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 8। सो लेट्स रीड। सेवन स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी टेक अ सीरीज ऑफ टेस्ट। ठीक है, वो लोग एक सीरीज ऑफ टेस्ट लेते हैं। नो स्टूडेंट्स गेट सिमिलर मार्क्स, कोई भी दो स्टूडेंट्स के सिमिलर मार्क्स नहीं आते। जी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन ए एंड ए ऑलवेज स्कोर्स मोर देन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जी जो है वो हमेशा ए से ज्यादा मार्क्स लाता है एंड जो ए है वो हमेशा बी से ज्यादा मार्क्स लाता है। एंड इसके बीच में मैं डैश बना देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि जस्ट ऊपर या फिर जस्ट नीचे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ईच टाइम ईदर सी स्कोर्स द हाईएस्ट एंड ई गेट्स द लीस्ट और ऑल्टरनेटिवली डी स्कोर्स द हाईएस्ट एंड एफ और बी स्कोर्स द लीस्ट। तब इसमें क्या दे रखा है कि या तो हर बार सी फर्स्ट आता है या फिर ई सेवेंथ आता है, ई स्कोर्स द लीस्ट, या फिर अगर ये नहीं हुआ तो डी फर्स्ट आता है, डी स्कोर्स द हाईएस्ट एंड एफ और बी स्कोर्स द लीस्ट, या फिर एफ और बी लीस्ट स्कोर करते हैं, सेवेंथ आते हैं। ठीक है, तो या तो ये सिचुएशन होगी या फिर ये सिचुएशन होगी और ये हमारा फिक्स है कि जी हमेशा ए के ऊपर आएगा एंड ए हमेशा बी के ऊपर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ जी इज रैंक्ड फिफ्थ विच ऑफ दीज मस्ट बी ट्रू। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जी की जो रैंक है वो फिफ्थ है। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन ट्रू होगी, तो अभी इसे देख लेते हैं कि अगर जी की रैंक फिफ्थ है तो जी के नीचे तो ए एंड बी को आना ही आना है, तो ऑटोमेटिकली ए की रैंक 6th हो गई एंड बी की रैंक 7th हो गई क्योंकि 7 ही स्टूडेंट्स हैं और कोई पॉसिबल सिचुएशन हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा था या तो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी, तो जब बी की रैंक 7th आ गई है, बी स्कोर्स द लीस्ट, तो फिर डी क्या होगा, डी स्कोर्स द हाईएस्ट मतलब फर्स्ट। तो हमें इस क्वेश्चन से ये चीज पता लगती है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। डी स्कोर्स द हाईएस्ट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आगे भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सी इज रैंक द सेकंड, पता नहीं हमें। ई इज रैंक थर्ड, इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड बी इज रैंक फोर्थ, गलत क्योंकि बी इज रैंक 7th। तो 6th वाले का क्या आंसर हो गया, इट्स ऑप्शन ए, डी स्कोर्स द हाईएस्ट। ठीक है, अब 7th वाला पढ़ते हैं। इफ डी इज रैंक्ड सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। अब डी सेकंड आया है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, डी की रैंक सेकंड है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन 1 होगी क्योंकि ये वाली सिचुएशन तो हो नहीं सकती, इसमें तो डी की रैंक फर्स्ट है, तो ये नहीं होगी। ये सिचुएशन होगी कि सी की रैंक फर्स्ट है एंड ई की रैंक 7th है। ठीक है, अब क्या लिखा है, ए गेट्स मोर देन सी, नहीं क्योंकि सी की तो रैंक फर्स्ट है। जी गेट्स मोर देन डी, जी गेट्स मोर देन डी, नो डी की रैंक तो सेकंड है। ए गेट्स मोर देन जी, नहीं क्योंकि ये तो फिक्स्ड ही सिचुएशन, जी हमेशा ए से ऊपर लाया है। एंड एफ गेट्स मोर देन जी, ये हो सकता है, तो इट्स आंसर डी, ऑप्शन डी, एफ गेट्स मोर देन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ डी इज रैंक्ड 6th एंड बी इज रैंक्ड 5th विच ऑफ दीज कैन बी ट्रू। अब देखो 8th वाले में क्या बोला है कि इफ बी इज रैंक्ड 5th, बी की रैंक है 5 एंड डी की रैंक है 6th। ठीक है, अब ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये वाली हो गई, ये सिचुएशन, क्योंकि डी इसमें फर्स्ट रैंक पे है तो ये तो हो नहीं सकती, यहाँ पर डी 6th रैंक पे है, तो इसका मतलब सी इज रैंक फर्स्ट एंड ई इज रैंक 7th, ये हमें पता चल गया। एंड जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है वो कौन से होंगे, जी ए और एफ में से कोई। तो आगे पढ़ते हैं ऑप्शंस। जी इज रैंक फर्स्ट और फिफ्थ, नहीं क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा सी है। सी इज रैंक सेकेंड और थर्ड, नहीं क्योंकि सी इज एट द फर्स्ट। ए इज रैंक सेकेंड और फिफ्थ, नो फिफ्थ तो हम बी ने पोजिशन एक्वायर कर ली है। एंड एफ इज रैंक थर्ड और फोर्थ, ये हो सकता है, एफ कैन बी रैंक ऑन थर्ड और फोर्थ, सो इट्स ऑप्शन डी, एफ इज रैंक्ड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 6 to 8। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।